हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोच डॉट सोबिज्म। आज हम हमारी वीडियो में एक प्रोग्राम करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ नई चीजों को भी समझेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोग्राम है। स्टूडेंट प्रोफाइल से मेरा मतलब ये है कि हम कुछ स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन को सेव कराएंगे और उस इंफॉर्मेशन में हम नेम, रोल नंबर, एज और टोटल मार्क्स को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है उसे बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ जो पॉइंटर्स से रिलेटेड है और स्ट्रिंग से रिलेटेड है। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा। स्ट्रिंग्स होती क्या है, हम कैरेक्टर एरेज बनाते थे और उसमें स्ट्रिंग को असाइन करा देते थे। और वो स्ट्रिंग कैसे होती थी इसको मैं आपको समझाता हूँ। कैर str हमने बनाया और ये हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दिए। इसका मतलब ये एक कैरेक्टर एरे है और इस कैरेक्टर एरे को हमने एक स्ट्रिंग दे दी है। और ऐसे जब हम डबल कोटेशंस में कुछ भी लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। और ये स्ट्रिंग जो है ये हमने यहाँ पर डाल दी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि str इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स हुज एलिमेंट्स आर, और इसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे। ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पर हेलो तक, उसके बाद ये जो स्पेस है ये भी उस एरे का एक एलिमेंट होगा और ये भी एक कैरेक्टर जैसे ही माना जाएगा। और उसके बाद ये वर्ल्ड आ गया और उसके बाद एक नल कैरेक्टर से हमारी ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाती है किसी भी कैरेक्टर एरे में। तो इतना हम जानते हैं कैरेक्टर एरेज के बारे में और स्ट्रिंग्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं नहीं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैर स्टार str। कैर स्टार str मतलब अभी तक हम यही जानते हैं इसका मतलब कि हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बना दिया। ये एक पॉइंटर हो गया क्योंकि यहाँ पर हम ये स्टार लगाते हैं तो इससे एक पॉइंटर बनता है। और इस पॉइंटर का नाम हमारा क्या है, str। और ये str जो है वो एक एड्रेस सेव करता है। हमें अभी तक इतना पता था पॉइंटर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, इस str मतलब इस पॉइंटर को क्या दे रहे हैं, इस पॉइंटर को एक स्ट्रिंग दे रहे हैं और वो वही स्ट्रिंग है ये पहली वाली। तो इसमें भी हमने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग डाल दी और ये चीज हमने आज से पहले देखी नहीं थी कि हम एक पॉइंटर में स्ट्रिंग डाल रहे हैं। और इसका मतलब होता है एक ये हमने डाला, इससे हम एक पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं एक स्ट्रिंग। देखो str इज अ पॉइंटर टू अ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, तो ये एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है, ठीक है। और str जो है वो एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है उस कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग पर। और यहाँ पर जब बात आती है कि यार ये str तो एक एड्रेस ही सेव करेगा ना, तो एक स्ट्रिंग को कैसे वो सेव कर सकता है, तो एक्चुअली में ये एक स्ट्रिंग को सेव नहीं कर रहा। ये जो str होता है वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द डेटा सेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेबल वेयर द हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। इसका मतलब बता देता हूँ, ये जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है ये हमने जब बनाई तो ये जाके हमारे डेटा सेक्शन मतलब ये हमारे रैम में कहीं ना कहीं सेव होगी और उसी पे ये पॉइंट कर रहा होगा str, मतलब उसी का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। ये जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है ना, ये सारी स्ट्रिंग का एक डेटा सेक्शन में जगह होगी और उस जगह का जो एड्रेस होगा उसे ये str सेव कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर बस इतना बताना चाहता हूँ कि हम एक स्ट्रिंग को ऐसे भी बना सकते हैं। हम कैर स्टार str करेंगे और नाम कुछ भी आप रख लो, ठीक है, और आप उसमें कोई स्ट्रिंग दे दोगे तो वो स्ट्रिंग एसोसिएट हो जाएगी इससे। और जब भी हम स्ट्रिंग को कॉल करेंगे तो हम उसे प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं इसको रन करा कर आपको दिखाता हूँ, ये चीज आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऑनलाइन आईडी पे आ रहा हूँ क्योंकि हमें छोटा सा एक प्रोग्राम रन कराना है, तो वहां पर मुझे पूरा जितना प्रोग्राम है वो कॉमेंट करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको रन करा के दिखाता हूँ। ये ऑनलाइन GDB कंपाइलर है, आप गूगल कर लेना आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने सी कर दिया लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पर ये छोटा सा कोड लिख दिया, इसमें stdio.h इंक्लूड करा दिया, मेन फंक्शन बना के मैंने कैर str। आपको ये मैं बड़ा करके थोड़ा दिखा देता हूँ, इसमें किया क्या है हमने, ये देखो कैर str और इसके बाद यहाँ पर ये एरे बना दिया, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर टाइप का एरे बना के यहाँ पर असाइन करा दी वैल्यू और स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, तो ये ऑब्वियस है कि आपका स्ट्रिंग बन जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगी। परसेंटेज एस से हम इसे एक्सेस करते हैं और ये स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेस होके प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा था, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, यहाँ पर स्टार करके ये बॉक्स हटाओ और क्या बोलो, इसे वैसे ही हेलो वर्ल्ड इसमें दे दो और इसे आप वैसे ही प्रिंट कराओगे तो ये पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगी। और ऐसे ही हम एक पॉइंटर को एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग दे सकते हैं। और देखो यहाँ पे ये रन कराने के बाद हेलो वर्ल्ड आ गया है। तो मुझे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था क्योंकि ये हमने देखा नहीं था।
कि हम एक पॉइंटर को, ये देखो कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर बनाया आपने, इसे आप एक एड्रेस ही देते हो हमेशा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग दे दिया, और उस कांस्टेंट स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं एसटीआर को बुला के। तो और यहाँ पर ये भी पता चल गया आपको कि एसटीआर क्या करेगा, ये एड्रेस स्टोर करेगा जहां ये स्ट्रिंग सेव हो रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करके अपना नेम बनाने वाले हैं, और यहाँ पर नेम में एक स्ट्रिंग डालेंगे जो भी हमें नाम देना होगा। अभी तक हम क्या करते आए थे, हम नेम बनाते थे या कुछ भी बनाते थे, जब हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होती थी तो हम एक कैरेक्टर एरे बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक पॉइंटर बना देंगे और पॉइंटर को दे देंगे वो स्ट्रिंग, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग हम पॉइंटर को दे देंगे। अब देखो मैं ये प्रोग्राम समझाता हूँ, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है, बस मुझे एप्लीकेशन समझाना था इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में stdio.h, stdlib.h और string.h फाइल हमने इंक्लूड कराई है। stdlib.h और string.h का यहाँ पर अब काम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ऐसा फंक्शन यूज ही नहीं करेंगे जो हमारे stdlib.h या फिर string.h में इंक्लूडेड है। तो इसे अभी के लिए मैं कॉमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर बस stdio.h हमने इंक्लूड कराई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे का प्रोग्राम, आगे क्या है, हमने डिफाइन किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कैसे बनाया देख लो, यहाँ पर हमने अंडरस्कोर लगा के हमने नंबर ऑफ और स्टूडेंट्स लिख दिया। ये मीनिंगफुल इसलिए बनाया क्योंकि ये कन्वेंशन होती है, आप मीनिंगफुल बनाओगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और हमने बोल दिया है 5, तो ये आपका जो मैक्रो है ये डिपिक करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। और फिर हमने क्रिएट कर दिया एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, हम क्या करते हैं स्ट्रक्ट लिखते हैं, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम ये स्ट्रक्चर का टैग देते हैं, स्ट्रक्चर टैग देके यहाँ पर हम एलिमेंट्स बना देते हैं। एलिमेंट्स में हमने क्या किया है, सबसे पहले अभी हमने ये जो पढ़ा हम वही अप्लाई करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कैर स्टार नेम, मतलब हमने एक पॉइंटर बना दिया जिसका नाम नेम है, वो कैरेक्टर टाइप का है, और आगे हम यही करने वाले हैं कि इस नेम को ही हम जो भी देना होगा दे देंगे, मतलब जो भी स्ट्रिंग देनी होगी वो दे देंगे। और अब देखो यहाँ पर हमने एक इंट बनाया है जो रोल नंबर है, और यहाँ पर एक और इंटीजर वेरिएबल है एज जो बनाई है हमने, और एक डबल बनाया है टोटल मार्क्स के लिए, इसमें हम परसेंटेज करा लेंगे सेव। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बना दी, और ये डबल इसलिए बनाया क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में होती है, आपके डेसिमल में होती है। फिर देखो यहाँ पर ड्राइवर कोड, ड्राइवर कोड क्या होता है, जो हमारा ड्राइवर फंक्शन, मेन फंक्शन हमेशा हमारा ड्राइवर फंक्शन होता है, इसी से हमारा जो कोड रन होना शुरू होता है, मतलब यहीं से हमारा जो कंपाइलर है ये रीड करना शुरू करता है, और सबसे पहले यहीं के जितने भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स या जो भी स्कैन एफ स्टेटमेंट्स है और जितने भी स्टेटमेंट्स है सबको यहीं से रन कराता है। कोई आप अलग से फंक्शन बनाओगे ना तो वो पहले कभी रन नहीं होगा, और अगर आपने कोई फंक्शन बना भी दिया और उसे आप कॉल नहीं कर रहे हो ना, उसे जब तक कॉल नहीं करोगे आप मेन फंक्शन में पहले, तो वो रन नहीं होगा। तो यही होता है ड्राइवर कोड का मतलब, ड्राइवर फंक्शन का मतलब यही होता है कि मेन फंक्शन हमारा ड्राइवर फंक्शन है। उसके बाद आप क्रिएट अ स्टूडेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल विद एन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ये एक नई चीज है, ये आपने लास्ट वीडियो में नहीं देखी थी कि आपको वेरिएबल बनाना है। आपने ये एक डेटा टाइप बना दिया जो अपने हिसाब से आपने बनाया है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और ये स्ट्रक्चर का यूज करके आपने बना दिया। लेकिन यहाँ पर आपको जब वेरिएबल्स बनाने हैं तो हमने क्या देखा था, हम स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री कर रहे थे, लेकिन मान लो यार स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया और आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये एरे टाइप का है। देखो जब जैसे हम एरे बनाते थे ये वैसा ही है, और इसमें भी सारे इंडेसेस ही होते हैं। अगर हम स्टूडेंट, देखो आपने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया, तो इसमें आप साइज डालते हो स्ट्रक्चर, जितनी भी आपको वेरिएबल्स बनाने हैं। तो आपको अभी यहाँ पर पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह 5 है, हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर, तो यहाँ पर 5 आने वाला है। तो आप स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 करके ये 5 वेरिएबल्स बना रहे हो। और ये जैसे एरेस का होता था इंडेसिस का कॉन्सेप्ट, वैसे ही इसका भी इंडेसिस का कॉन्सेप्ट होता है। और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने हमने स्टूडेंट के वेरिएबल बना दिए जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप के हैं। अब यहाँ पर देखो हमने 5 वेरिएबल्स बना दिए एक ही बार में, और ये हम इसीलिए करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ बनाना होता है। और अब हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स का डेटा लेंगे, और डेटा कैसे ले रहे हैं हम, देखो रोल नंबर आप सीधा डाल दोगे, आपको पता है आप स्टूडेंट 0 लिखोगे, स्टूडेंट यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसमें आप 0 लिखोगे तो मतलब ये पहला जो आपका वेरिएबल है वो है, और पहले वेरिएबल का आप डॉट करके रोल नंबर लिखोगे तो ये आपका रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर के जितने भी डेटा एलिमेंट्स है उन्हें एक्सेस करते हैं, आपको ये बात पता है। और तो वैसे ही हम यहाँ पर 1 डाल देंगे। नेम में हम देखो यहाँ पर हमने नया तरीके से ये नेम बनाया है, इसमें आपने पॉइंटर का यूज किया है, पॉइंटर बनाया आपने एक नेम, ठीक है,
और वो कैरेक्टर टाइप का है, और उस पॉइंटर में आपने एक स्ट्रिंग दे दिया, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग को आपने डाल दिया, और आप इसे एक्सेस भी कर सकते हो। मैंने दिखाया था अभी और आपको बताया भी था, और वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। हमने यहाँ पर स्टूडेंट जीरो डॉट नेम किया, तो ये हमारा नेम जाके एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पर हम नेम डाल देंगे जो भी डालना है। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी चीजें हैं, और ये टोटल मार्क्स हमने डाल दिए 52.33। और हमारा जो पहला स्टूडेंट है उसका नाम है बबलू भैया। हमने यहाँ पर कोड नेम्स रखे हैं, जो हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं वैसे हम बोल रहे हैं कि बबलू भैया एक, वो पहले एडमिशन लेना चाहते हैं उनका रोल नंबर 1 कर दो, एज उनकी 17 है और उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, उनके मार्क्स है 52.33%। अब आगे देखो, आगे दूसरा है रोल नंबर, और हमने यही चीज करी है, आगे वाले का स्टूडेंट 1 हो जाएगा और स्टूडेंट 1 के लिए रोल नंबर हम 2 कर देंगे, और ये बंदा आपका कोडिंग करता है, तो हमने बोल दिया ये चिंटू कोडर है भाई, ये चिंटू कोडर, आप चिंटू को जानते ही होंगे, और चिंटू कोडर जो है उसकी एज भी 17 है और इसके टोटल मार्क्स है 56.84। पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं है लेकिन कोडिंग में बहुत तेज है ये, इससे कुछ भी कोडिंग कराओ ये कर लेता है। उसके बाद आपका स्टूडेंट 2 आता है, ठीक है। स्टूडेंट 2 आपका कौन है, वो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल के लिए सारी चीजें आ गई, और ये आपका राजू डीलर है, ये आपके छोटे मोटे सारे काम करा देता है, तो हमने इसको राजू डीलर बोल दिया, और इसकी एज 18 है और ये भी पढ़ता लिखता है नहीं, नंबर इसके भी 57.94% है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ स्टूडेंट, आपका जो स्टूडेंट 3 है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, इसका रोल नंबर 4 हो गया और इसका नाम है भाई छोटा डॉन, ये डॉन है भाई लेकिन इसकी हाइट छोटी है तो इसे हम छोटा डॉन बोलते हैं। उसके बाद लेकिन इसकी एज भी बहुत कम है और ये एडमिशन लेना चाह रहा है, और ये एक डॉन है तो इसे एडमिशन मिल जाएगा, और इसके मार्क्स 62.78% है। तो ये आपके सारे स्टूडेंट जितने भी थे वो आ गए। आपकी जो लास्ट स्टूडेंट है वो एक लड़की है, उसका रोल नंबर 5 हो गया, आप स्टूडेंट 4 से उसे एक्सेस करोगे। तो ऐसे ही होता है हमारा, जितने हम एलिमेंट्स बना रहे हैं, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था यहाँ पर, तो उसकी जगह 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट 4 तक जाएंगे 0 से लेकर, और जितने भी आपको चीजें एक्सेस करनी है उन्हें आप एक्सेस कर लोगे। और यहाँ पर लास्ट रोल नंबर हमारा 5 हो गया, और इनका नाम है मिया दीदी, और यहाँ पर इसकी एज 13 है और ये 95.55% है इसके, और ये बहुत पढ़ती है तो इसके आ गए नंबर। और यहाँ पर इसके बाद हमने यहाँ सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्रिंट एफ करोगे आप, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स निकालोगे, आपने यहाँ पर \n यूज करके दो बार लाइन को ब्रेक कर दिया, तो नीचे आपका सारा आउटपुट आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर लूप लगाया है, एक फॉर लूप i इक्वल 0 से लेकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक चल रहा है, मतलब यहाँ पर ये फॉर लूप 5 बार चलेगा i इक्वल 0 1 2 3 और 4 के लिए। और उसके बाद ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा ये स्टेटमेंट्स, और इस प्रिंट स्टेटमेंट्स में ये पहले नाम लिखवाएगा, परसेंटेज s करके आप उसी स्ट्रिंग को एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंटर बनाया था ना, वो पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है उस स्ट्रिंग पर, और वो स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी जब भी हम उसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा, \t का मतलब आप समझो, \t क्या होता है, ये भी एस्केप सीक्वेंस है जो टैब स्पेस देता है, तो टैब स्पेस से थोड़ा आगे बढ़ जाता है हमारा आउटपुट। उसके बाद देखो हमने प्रिंट किया है, और प्रिंट में हमने रोल नंबर %d करा दिया है, %d करा के स्टूडेंट i डॉट रोल नंबर किया है हमने। आई का मतलब क्या, जो हमारी आइट्रेशन होगी, आइट्रेशन 0 से 4 तक चल रही है, और 0 से 4 तक ही हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका भी इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स पे ही बेस्ड हमारे आइट्रेशन होंगे और ये सारे चल जाएंगे, और एज हमारी, और फिर टोटल मार्क्स भी प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये एप्लीकेशन देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने 0.2 किया है, परसेंटेज एफ के पहले हमने 0.2 कर दिया, मतलब ये 2 डेसिमल प्लेसेस की प्रेसिजन के साथ हमें चाहिए, ये एक डबल वेरिएबल है, ठीक है, हमें पता था, हमने डबल टाइप का बनाया था ये टोटल मार्क्स, तो जब भी हम कभी ये प्रिंट कराएंगे तो ये बहुत लंबा जाता है और बहुत बड़ी वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे यहाँ पर देखो हमने इस पे होवर किया 52.33 पे, तो ये आपको बता रहा है ये डबल टाइप का है, और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी है 52.32, और ये कितना बड़ा है डबल वेरिएबल हमारा, डबल नंबर जो है, इसलिए हम यहाँ पर 0.2 की प्रेसिजन से इसे प्रिंट कराना चाहते हैं। ये चीज आप अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर सकते हो, इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी, उतने बड़े बड़े नंबर्स लिखे आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, और 2 नंबर्स की प्रेसिजन में आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस की प्रेसिजन में आएगा तो वो परसेंटेज अच्छी लगती है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी और फिर ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2-3 नई चीजें सीखी है कि हम यहाँ पर ऐसे एक एरे टाइप का बना सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाने हो तो आप यहाँ पर ये बॉक्स लगा दो, बॉक्स मतलब क्या, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वहां पर आप जितना नंबर देना चाहते हो दे दो। और हमने यहाँ पर एक और नई चीज सीखी है,
ये नई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप स्ट्रिंग बनाओ ना, आपको एक कांस्टेंट स्ट्रिंग बना के असाइन करानी हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये एक और तरीका है स्ट्रिंग को बनाने का, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग को असाइन कराने का, और उसके बाद आप प्रिंट भी करा सकते हो, हमने देखा ही है इस प्रोग्राम में। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे हमारे स्ट्रक्चर्स के, और यही सब मैं आपको पढ़ाना चाहता था। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको स्टूडेंट प्रोफाइल बनानी आ गई है अब, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को codes.sobhism। मैं यहाँ पर कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियोस में और दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो गाइज थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।